हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP इंग्लिश मंत्रा में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। कभी कभी हमें अपने डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे वह खाना बनाने में लगी हुई है, वह मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है, हम लोग अंग्रेजी सीखने में लगे हुए हैं। तो जब बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं इंगेज्ड इन। इसका हिंदी मीनिंग है लगा हुआ, यानी किसी काम में व्यस्त होना। आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद लिखेंगे इंगेज्ड इन, इसके बाद लिखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, इसके बाद अदर वर्ड आएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। हम लोग अंग्रेजी सीखने में लगे हुए हैं। वी आर इंगेज्ड इन लर्निंग इंग्लिश। वी आर इंगेज्ड इन लर्निंग इंग्लिश। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो इंगेज्ड के प्लेस पर आप बिजी का भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बन जाएगा वी आर बिजी इन लर्निंग इंग्लिश। वी आर बिजी इन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, मेरी मम्मी घर की सफाई करने में लगी हुई हैं। माई मॉम इज इंगेज्ड इन क्लीनिंग द हाउस। माई मॉम इज इंगेज्ड इन क्लीनिंग द हाउस। वह मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है। ही इज इंगेज्ड इन टॉकिंग ऑन मोबाइल। ही इज इंगेज्ड इन टॉकिंग ऑन मोबाइल। सुनील TV देखने में लगा हुआ था। सुनील वॉज इंगेज्ड इन वॉचिंग TV। सुनील वॉज इंगेज्ड इन वॉचिंग TV। वे लोग नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं। दे आर इंगेज्ड इन सीकिंग द जॉब। दे आर इंगेज्ड इन सीकिंग द जॉब। वह खाना बनाने में लगी हुई है। सी इज इंगेज्ड इन कुकिंग। सी इज इंगेज्ड इन कुकिंग। तुम साइकिल चलाने में लगे हुए हो। यू आर इंगेज्ड इन साइकिलिंग। यू आर इंगेज्ड इन साइकिलिंग। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, हम लोग पैसे बचाने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।